टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम को इस हार के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रोहित शर्मा करीब 36 साल के हो चुके हैं, वे कुछ साल और खेलेंगे। इसके बाद भारत की टेस्ट कप्तानी का विकल्प फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है। हालांकि इस रेस में कुछ खिलाड़ी आगे चल रहे हैं। नंबर 1 ऋषभ पंत। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने 33 टेस्ट मैचों में 2271 रन बनाए हैं। पंत ने इस दौरान 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। वे आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं। पंत को भारत के अगले टेस्ट कप्तान के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल वे चोट की वजह से बाहर चल रहे हैं। नंबर 2 शुभमन गिल। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने प्रदर्शन से खुद को स्थापित कर लिया है। वे टीम इंडिया के लिए 16 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 2 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। शुभमन को भी कप्तानी के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें अभी ज्यादा अनुभव की जरूरत है। नंबर 3 श्रेयस अय्यर। भारतीय टीम के प्रतिभाशाली बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट की वजह से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि उन्होंने 666 रन बनाए हैं। अय्यर 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। वे भारत के लिए टेस्ट कप्तान का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। नंबर 4 जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम के अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कप्तानी का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि उसने 128 विकेट झटके हैं। बुमराह 29 साल के हैं और उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज के लिए।